सभी विकलांगों के लिए बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, खुशखबरी, विकलांग प्रमाण पत्र है तो मिलेंगी दो बड़ी योजनाएं। आखिर वो कौन सी दो बड़ी योजनाएं और किस किस को मिलेगा फायदा, ये पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इन योजनाओं का फायदा उठा सकें। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। और दोस्तों वीडियो को किस प्रदेश, किस जिले से देख रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में अपने प्रदेश का नाम, जिले का नाम जरूर लिख दें ताकि हम आपके प्रदेश में, आपके जिले में चल रही एक से एक बड़ी सरकारी योजना के बारे में आपको नई नई जानकारी देते रहे। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे, आखिर वो कौन सी दो बड़ी योजना है जिनका लाभ केवल विकलांगों को मिलेगा। मोदी सरकार विकलांगों के हित में दो बड़ी योजनाएं लेकर आई है, तो बात करेंगे सबसे पहली और बड़ी योजना को लेकर। तो पहली और बड़ी योजना है विकलांग जनधन योजना। जिन विकलांगों का जीरो बैलेंस वाला खाता है उन सभी विकलांगों को 15,000 रुपए तक का लोन मिलेगा, जिसका कोई ब्याज दर नहीं होगा, जब चाहे वापस कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए क्या क्या शर्तें होंगी, सबसे पहली बात किसी भी विकलांग का किसी भी बैंक में जीरो बैलेंस वाला खाता खुला होना जरूरी है। अगर सेविंग अकाउंट है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए जनधन योजना यानी जीरो बैलेंस वाला खाता खुला होना जरूरी है। साथ ही साथ विकलांग प्रमाण पत्र अनिवार्य है, जो कि 35% से अधिक बना हो। अगर आपके पास ये चीजें हैं तो आप अपने नजदीकी जिस भी बैंक में आपका खाता खुला है उसी बैंक में जाकर बैंक मैनेजर से संपर्क कर सकते हैं और विकलांग जनधन योजना के तहत 15,000 रुपए ले सकते हैं, जिसके बाद आप अपना कोई भी काम कर सकते हैं, पैसा किसी भी काम में ले सकते हैं। तो दोस्तों वहीं बात करेंगे दूसरी और बड़ी योजना को लेकर। तो विकलांगों के लिए मोदी सरकार विकलांग पेंशन योजना लेकर आई है, जहां विकलांगों को 1500 रुपए, 400 रुपए या 300 रुपए मिलते थे, वहीं पर अब विकलांगों को 3,000 रुपए महीने पेंशन के रूप में मोदी सरकार देने की योजना बना रही है। इसके फॉर्म 28 अगस्त से भरे जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपके पास विकलांग प्रमाण पत्र है जो कि 45% से अधिक हो, इसके बाद आपका किसी भी बैंक में जीरो बैलेंस वाला खाता खुला होना जरूरी है, जिसके बाद आप अपने नजदीकी सीएससी केंद्र या जन सुविधा केंद्र पर जाकर 28 अगस्त से फॉर्म भर सकते हैं, जिसके एक महीने के बाद आपके खाते में 3,000 रुपए महीने पेंशन के रूप में आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि आप पहले से किसी भी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। दोस्तों अगर पहले से किसी भी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो भी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो कैसी लगी हमारे द्वारा दी गई जानकारी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नेक्स्ट जानकारी लेकर। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।